ये क्या कर रही हो? तवे पे दिया क्यों रखा है और अब पानी क्यों डाल रहे हो? अरे रुको, अभी बताती हूँ। अरे मुझे बताओ, ये इतना गंदा हो रखा है तवा और ऊपर से तुमने इसके ऊपर दिया और रख दिया है। अरे ये गंदा नहीं है, बल्कि बिल्कुल साफ होने वाला है अभी। ये जो तवा है इसके ऊपर गंदगी देखिए तुमने, कितनी ज्यादा है। हाँ, इसी गंदगी को तो हम हटाएंगे ना आज। ये देखो, ओहो, इतनी गंदगी हम लोग खा रहे थे इस तवे पे, इतनी गंदगी होती है। हाँ बिल्कुल। तो हम सबसे पहले इतने गंदे तवे को साफ कैसे करने वाले हैं और इतना गंदा हो कैसे गया? अक्सर हम पराठे रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो तो जलते हैं वो, जल जाते हैं और सारी चिकनाहट इस तवे पे आ जाती है। और हमें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर गंदगी कितनी छिपी हुई है। हल्का सा धोते हैं और अगली चीज बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ठीक ठाक है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, लेकिन इसमें जमी हुई गंदगी है। हाँ, और आज हम बिना पैसों के, बिना कुछ खर्च किए हुए इस तवे को बड़े ही आसानी से साफ करेंगे। तो हमने क्या करा है अभी? सबसे पहले हमने तवे के ऊपर दिया रख दिया है। दिया जो मिट्टी से बनता है? बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना ईंट से तो साफ होता है, लेकिन दिए से भी साफ होता है? हाँ, दिए से बहुत ही अच्छे से साफ होगा। बस हमें करना क्या है कि थोड़ा सा हमें गैस को ऑन करना है और हल्का सा पानी गर्म करना है। और पानी गर्म करना है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे ताकि पानी ज्यादा गर्म ना हो, हाथ पे ना लगे। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इसको रगड़ना है। हाँ। लगभग कितनी देर तक रगड़ना है इसको, और रगड़ के क्या कितनी गंदगी निकलने वाली है? सारी चीज जमी हुई मैल सारी निकल के जाएगी। क्या है चिकनी मिट्टी का जो ये दिया है, क्या क्या काम करने वाला है? इस मिट्टी का ये जो दिया है ना, ये सारी चिकनाहट को निकाल देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज्यादा इस पे चिकनाहट आ गई थी, वो सारी की सारी हट जाएगी। बेसिकली स्क्रबिंग कर देता है। बिल्कुल, जो जमी हुई गंदगी होती है वो पूरी हटा देता है। हाँ, और दिए सबके घर आसानी से मिल भी जाते हैं। हाँ। तो आज ये दिखाना चाहेगी हमें कि इसमें से मिट्टी कितनी निकलती है और कितनी गंदगी है। हाँ। ताकि पता तो चल सके कि कितनी गंदगी इन पे होती है और वो कैसे हमारे शरीर में जा सकती है। हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हमारे शरीर में कितनी ज्यादा गंदगी जा रही है, क्योंकि दिखने में तो ठीक ठाक लगता है लेकिन यही गंदगी हमारे शरीर में जाती है। अच्छा, आपको ये किसने बताया था ये टिप ऐसे कि ऐसे किया जाता है? ये मेरी नानी माँ ने मुझे एक बार बताया था, तो मैंने कई बार सोचा कि इसको शेयर करूँ, लेकिन मैंने पहले भी ढेर सारे वीडियो शेयर करे, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही तरीका लगता है। हाँ, क्योंकि इसमें कोई नींबू नहीं, विनेगर नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, नमक नहीं, कुछ साबुन नहीं, कुछ नहीं यूज करा अभी हमने, सिर्फ दिए से घिस रहे हैं। हाँ। और पानी अब ज्यादा गर्म हो गया तो तवा भी बंद कर दिया है, गैस बंद कर दिया हमने। ओके, ओहो, इतनी गंदगी और चिकनाहट, ये तो अभी काला पड़ गया पूरा रगड़ते ही रगड़ते। बिल्कुल लगभग 3 मिनट हो गए रगड़ते हुए इन्हें, और ये कुछ इस तरीके से अब दिखने लगा है। मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है तवा, और इसको सच में मेंटेनेंस की जरूरत थी। एक प्लेट में निकाल लेते हैं, व्हाइट की गंदगी थी कितनी, क्योंकि व्हाइट प्लेट में काली गंदगी जो है ना वो चमक के दिखाई देगी, चमक के दिखाई देगी। थोड़ा सा और घिस लेते हैं और उसके बाद देख ही लेते हैं, क्योंकि ये सारी गंदगी ना शरीर में जानी नहीं चाहिए। जितना हेल्दी रहेंगे हम उतना ही बढ़िया रहेगा। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये जो उंगली पे गंदगी आई है वही गंदगी हमारे शरीर में जा रही होती है। तो ये तो ठीक बात नहीं है, तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, अब एक वाइट प्लेट पे इसे निकाल लेते हैं ताकि मिट्टी और गंदगी और चिकनाहट इस पर लगी कितनी थी उसका आइडिया हो सके, और हर कोई जब भी घिसे ये चीज़ खासा ख्याल करके देख सके कि कितनी गंदगी उनके तवे पे है। और ये देखो, दिया भी किस तरीके से गंदा हो गया। ओहो, इतनी चिकनाहट। अरे भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा था। और ये परांठे बने थे ना सुबह, और जब से बन रहा था खाना ऐसे, तब से यही मुझे लग रहा है कि अलग सी ना महक भी आने लग जाती है परांठों में, रोटियों में, तवे में गंदगी होती है। इनका साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। तो अब क्या करने वाले हैं? अब अभी तक ये ना पूरे अच्छे से साफ नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको दोबारा से अच्छे से रब करेंगे दिए की मदद से, ताकि जितनी भी चिकनाहट है वो सारी की सारी निकल जाए। तो टोटल बात यह है कि हम इसको तब तक दिए से घिसते रहेंगे जब तक ये काला पानी ऐसे निकलता जाएगा। जब तक हमें साफ पानी दिखाई नहीं देगा तब तक हम रुकने नहीं वाले हैं। लेकिन हम इन सबको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं, घिस लेते हैं। अब इन्हें 2-3 बार निकाल लिया, आप चिकनाहट देख सकते हो हाथ पे कितनी ज्यादा है। अब थोड़ा सा ना डिटर्जेंट और जूने से अच्छे से घिस लेते हैं ना। डिटर्जेंट नहीं, डिश वॉश जेल बेसिकली, या विम बार या कुछ भी हो किसी के घर पे। हाँ। उससे अच्छे से इसको, जो लोहे वाला जूना होता है ना उससे। हाँ। घिसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जो है ना जो चिकना परत उतर गई है, चिकना उतर गई है। हाँ। और अब जूने की मदद से है ना इस बहुत ही आसानी से अब ये साफ हो जाएगा। और ये तब तक घिसते रहेंगे जब तक पानी एकदम साफ तवे के ऊपर पड़े और साफ ना दिखाई दे, ताकि पूरी गंदगी खत्म हो जाए। ओहो, कितना गंदा है यार ये। अब सारा जो ऑयल और मैल है ना वो सारा का सारा निकल गया है, और अब हम इसमें
साफ पानी डालकर इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ठीक है, दो तीन बार रगड़ लेते हैं और तब तक हमने रगड़ना है, हम तो आपको फास्ट करके दिखा देंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप तब तक रगड़िएगा जब तक इसमें से गंदगी, ये कालक निकलनी बंद ना हो जाए, क्योंकि हम अभी आपको एंड में दिखा रहे हैं। हमने कम से कम 5-6 बार इसको रगड़ा, तब जाके जो ऊपर का पानी है वो एकदम साफ हुआ, वाइट हुआ, और तब तक हमने इसको छोड़ा नहीं जब तक एकदम साफ नहीं हुआ। तो एकदम फाइनल दिखा देते हैं आपको साफ कितना अच्छे से हुआ है। तब तक दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा तो शेयर करना। और ये देखो अब हम इसको साफ पानी से धो लेते हैं। ये देखो मैं अभी पानी डाल के दिखाती हूँ कि कितना साफ हो गया है। कम से कम 5-6 बार धोना पड़ा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना, और मैं चलता हूँ दोबारा से कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए डिलीशियस फूड को देखने के लिए धन्यवाद।